Good morning, India. Monday to Friday, back-to-back classes, live from studio. आज ही subscribe करें Wi-Fi Study channel को. SSC bank और railway में job पाना गर्व की बात है, पर उसका पहला step है exam को clear करना. और अगर आपको कोई guide करे, shortcut और tricks बताए और motivate करे, तो आपकी सफलता निश्चित है. हमारे कोर्सेज से न सिर्फ आपका सिलेबस कंप्लीट होगा बल्कि स्पीड, एक्यूरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट भी इम्प्रूव होगी. और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि आप अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन को लेकर कॉन्फिडेंट रहें और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाकर अपनी मंजिल हासिल करें. हेलो, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग. स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में, विच इज अ पार्ट ऑफ एन अकेडमिक ग्रुप. तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि डेली 8:45 बजे अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है मंडे टू फ्राइडे, जिसके अंदर अपन डिस्कस करते हैं कई सारे इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं. तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप इसको रेगुलर देखते होंगे. अगर आप रेगुलर देख रहे हैं तो आप इसको देश में चाहे कोई सा भी एग्जाम दे लीजिए, डजंट मैटर, आप किसी भी एग्जाम के अंदर वोकैबुलरी के अंदर इंग्लिश के अंदर अच्छा स्कोर कर सकते हैं. चाहे आप जीआरई दीजिए, टॉफिल दीजिए, या फिर आप आईलिट्स दीजिए, या फिर आप एसएससी बैंकिंग, चाहे कोई सा भी पेपर दीजिए दोस्तों, सभी में आपको काफ़ी मदद है जो कि आपको मिलेगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वर्ड के साथ में, जो कि आज अपने द हिंदू एडिटोरियल के अंदर से ये जो कि हमेशा होता है. देखते हैं फर्स्ट वर्ड क्या है. फर्स्ट वर्ड है रिकैल्सिट्रेंट. रिकैल्सिट्रेंट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है आज्ञा ना मानने वाला. तो जो किसी के ऑर्डर नहीं मानता, आज्ञा नहीं मानता, उसको अपन रिकैल्सिट्रेंट कहते हैं. यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कौन कौन से सिनोनिम एंटोनिम इंपॉर्टेंट है, तो अमिनेबल अच्छा वर्ड है जिसका मतलब होता है बात जो मानता है उसको अपन कहते हैं. बाकी तो एग्जाम्पल भी सिंपल है. ट्रिक देखिए, रिकॉल ना करे पेरेंट्स की बात, इसलिए मेहनत कर लो क्योंकि आप भी रिकैल्सिट्रेंट हैं. तो दोस्तों यार, सिंपल सी बात है, ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे यहाँ पे अभी क्लास के अंदर जिनको पेरेंट्स ने कुछ और बोला होगा और वो कुछ और कर रहे होंगे. पेरेंट्स ने बोला होगा इस एग्जाम की प्रिपरेशन करो, आपका कोई दूसरे एग्जाम में फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप किसी और चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं. तो रिकॉल ना करनी पड़े पेरेंट्स की बात, जो पेरेंट्स ने समझाया था उसको वापस से याद नहीं करना पड़े, इसलिए मेहनत कर लो क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी क्या हो, रिकैल्सिट्रेंट हो, यानी कि आज्ञा नहीं मानने वाले में से हो, है ना. तो यहाँ पे रिकॉल को रिकैल्सिट्रेंट से कोरिलेट करके हम इसको आसानी से याद कर सकते हैं. और बिल्कुल ठीक है, काफी बच्चों ने ऑर्डर को कैंसिल कर दिया. रिकैल्सिट्रेंट राधिका का ट्रिक है, रिकैल्सिट्रेंट नहीं किया तो रिकॉल करवाना होगा. पार्वती सिंह, ओके. तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, रिकॉल को रिकैल्सिट्रेंट से कोरिलेट करके याद कर सकते हैं. नेक्स्ट वर्ड है जो कि एमनेस्टी, एक नाउन है जिसका मतलब होता है आम माफी. ऑफिशियल पार्डन फॉर पीपल हु हैज बीन कन्विक्टेड ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंसेस. तो जिनको माफी दी जाती है, जिनको कन्विक्ट किया जाता है पॉलिटिकल ऑफेंसेस के तौर पे, लेकिन बाद में जिनको माफ कर दिया जाता है उनको अपन एमनेस्टी कहते हैं. काफी अच्छा वर्ड है. रिप्राइव, एब्सोल्यूशन दोनों पेपर में के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी सब आसान है. ट्रिक देखिए, आम लोगों को एमनेस्टी मिल जाती है. तो सिंपल सी बात यार, जो आम लोग हैं उनको भी क्या मिल जाती है, एमनेस्टी मिल जाती है. कई बार जब सरकारें बदल जाती है और अगर कोई बीजेपी फेवर्ड पर्सन को कन्विक्ट किया गया है, बीजेपी सरकार आ जाएगी तो वो उसको माफ करवा देगी, और कांग्रेस सरकार आ गई, कांग्रेस का कोई पर्सन है तो वो उसको माफ करवा देगी. तो आम लोगों को भी क्या मिल जाती है, एमनेस्टी मिल जाती है, यानी कि माफीनामा मिल जाता है. तो आम को आप आम एमनेस्टी से कोरिलेट करके आसानी से याद कर सकते हैं. नेक्स्ट वर्ड अपन पहले भी कई बार कर चुके हैं जो कि हेजमनी.
हेजिमनी का मतलब क्या होता है? जो किसी का कंट्रोल होता है, द प्रीडोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑफ वन ग्रुप ओवर अनदर। तो अगर कोई प्रीडोमिनेंट करता है, लीडरशिप करता है, डोमिनेंस करता है, सुप्रीमेसी करता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? हेजिमनी कहते हैं। किस वर्ड को कई बार पहले भी रिलेट कर चुके अपन कि हज के ऊपर जो है ना वो किसी का हजिम है, हेजिमनी नहीं है, यानी कि किसी का डोमिनेंस नहीं है। क्या होता है, 1000 लोगों ने फॉर एग्जाम्पल हज पे जाने के लिए एप्लीकेशन दी, तो ड्रॉ निकलता है, उस ड्रॉ के अंदर से जो है वो लोग है जो कि हज पे जाएंगे उनके बारे में पता किया उनको जो है अलाउ किया जाता है। तो हज पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमीर लोग ही जाएंगे या फिर कोई एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जाएगा, हज पे किसी का भी हेजिमनी नहीं है, यानी कि डोमिनेंस किसी का भी नहीं है। इस तरीके से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है कोलैबोरेट, वर्ब है जिसका मतलब होता है सहयोग, मिलकर काम करना। तो आपको मालूम है दोस्तों वाईफाई स्टडी हाई रेट पे कोलैबोरेट करके काम करते हैं सभी, तो रेट को हाई रेट के ऊपर काम करते हैं, आपको मालूम है, ठीक है। सब जितने भी आपको एजुकेटर्स मिलेंगे वाईफाई स्टडी के ऊपर, सभी काफी मेहनत करते हैं और सबके मतलब ये आपको काफी सारे वीडियोस मिलेंगे, काफी हाई रेट जो है इंटेंसिटी होती है सबकी, हाई रेटेड इंटेंसिटी होती है काम करने की, तो हाई रेट पे कोलैबोरेट करके काम करते हैं, ठीक है। तो रेट को कोलैबोरेट से कोरिलेट करके आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं, हाई रेटेड इंटेंसिटी होती है सबकी और काफी हाई अच्छी तरीके से इस तरीके से कोलैबोरेशन करके काम करते हैं, तो हाई रेट पे कोलैबोरेट करके करते हैं सभी, तो इस तरीके से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। और योगेंद्र जी बोल रहे हैं 7 जून को क्या है, ठीक है, पता नहीं कि 7 जून को क्या है, ठीक है। वर्ड पावर में डीजी एक सेशन लगा दो सर, साथी बोल रहे हैं, ठीक है यार। वर्ड पावर में जो आपको मिलेंगे यार वोकैबुलरी, उससे ज्यादा अच्छे वोकैबुलरी है आपके पास में भी, क्योंकि एडिटोरियल में से लिए गए हैं। ज्योग्राफी की क्लास करा दो अनामिका, ज्योग्राफी की क्लास कर लेंगे यार एक बार, हिस्ट्री की 2-3 दिन के बाद में अपन नेक्स्ट वीक से जो है अपन ज्योग्राफी स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है, ठीक है अनामिका, ज्योग्राफी अगले वीक से अपन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है जो कि है ब्लैटेंट। ब्लैटेंट एक नाउन है जिसका मतलब होता है खुल्लम खुल्ला। तो कोई भी चीज जो कि ओपनली करी जाती है और स्पष्ट तौर पे करी जाती है उसको अपन ब्लैटेंट कहते हैं। फ्लैग्रेंट हो गया और ब्रेजन हो गया, दोनों वर्ड अच्छे हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। और ब्रेजन को अपन ने याद भी किया था, याद है कि ब्रेजर पी के ब्रेजनली एक्ट करते हैं, तो यानी कि बहुत ही खुल्लम खुल्ला और बहुत ही ज्यादा, ठीक है, ओपनली एक्ट करते हैं, उसको अपन ब्रेजन भी कहते हैं। ट्रिक देखिए, ब्लाबला करने से बढ़िया है ब्लेटेंट बात करें, तो फालतू की ब्लाबला करने से बढ़िया है कि ब्लेटेंट बात करें, यानी कि बिल्कुल साफ तौर पे खुले तौर पे किसी को कुछ भी बताना है तो वो बता दो भाई, फालतू की ब्लाबला करने का कोई मतलब नहीं है। तो ब्लाबला को अपन क्या कर सकते हैं, ब्लेटेंट से कोरिलेट करके हम इसको आसानी से याद कर सकते हैं। कॉन्स्पिक्यूस भी अच्छा वर्ड है ना, ये भी पेपर में बहुत बार आता है, हालांकि ये वर्ड जो आपको मिलेगा वो कैट वाले जो अपनी कैटेगरी है उसके अंदर ज्यादा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है डेनाउंस। डेनाउंस एक वर्ब है जिसका मतलब होता है निंदा करना, आरोप लगा देना, पब्लिकली डिक्री करना किसी को रॉन्ग और इविल, कंडम करना, क्रिटिसाइज, कैस्टिगेट अच्छा वर्ड है, विलीफाई अच्छा वर्ड है। मैंने आपको बोला था विलीफाई कुछ दिन पहले भी कराया था कि वेरीफाई करो किसी को, विलीफाई मत करो, यानी कि गाली करो मत दो, किसी की निंदा मत करो, किसी के बारे में बुरा मत बोलो। अब देखिए अनाउंस करके डेनाउंस किया, अनाउंस करके डी अनाउंस किया, ये कौन है, अजहर मसूद, टेररिस्ट है ये। तो पहले तो अनाउंस किया हमने कि यही वो पर्सन है जिसने अटैक करवाया है, और अभी हमने उसको क्या किया, डी अनाउंस किया, यानी कि यूएन के अंदर इसको बैन करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो अनाउंस करके हमने क्या किया, डी अनाउंस किया। तो इस तरीके से अनाउंस को डी अनाउंस से कोरिलेट करके आप आसानी से याद कर सकते हैं। और अब तो आप 2-3 बार अपन ने देख लिया तो कुछ दिनों के अंदर ही विलीफाई वर्ड, तो अब तो आपको याद हो गया होगा ना, अच्छा वर्ड है काफी। एक्सटॉल एक्सॉल्ट इनका मतलब है तारीफ करना। नेक्स्ट है आपका जो कि बुलवाक। बुलवाक जिसका मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज जो कि आपको प्रोटेक्ट किसी भी डेंजरस सिचुएशन से। तो यहाँ पे फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि एक तरीके से फोर्ट बना देना ताकि आपको कोई अटैक नहीं कर पाए, तो उसको अपन फोर्टिफिकेशन कहते हैं। रैमपार्ट अच्छा वर्ड है। और ट्रिक देखिए, डेली वॉक आपको डिजीज से बुलवॉक करेगी। तो सिंपल सी बात है, अगर आप डेली थोड़ा बहुत वॉक भी करते हैं ना तो डिजीज है उससे आपको क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी, तो यानी कि बुलवॉक करेगी। तो डेली वॉक को आप बुलवॉक से कोरिलेट करके आसानी से याद कर सकते हो। देखो यहाँ पे भी वॉक आ रहा है और यहाँ पे बुलवॉक आ रहा है, तो इस तरीके से, तो बुलवॉक का मतलब हुआ कि आपको किसी भी चीज से प्रोटेक्ट करने को अपन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं।
नोटोरियसली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है कि कुख्यात रूप से. तो कोई भी चीज जो कि फेमस है किसी भी समथिंग कोई भी बैड चीज को लेकर उसको अपन नोटोरियसली कहते हैं. और इग्नोमिनस आपका यहाँ पे अच्छा वर्ड है. बाकी बात करें बाकी सब तो आसान है. ट्रिक देखिए नोट की कॉपी करते हैं नोटोरियस लोग. तो सिंपल से बात है करेंसी जो है उसकी कॉपी करते हैं उसको बेचते हैं. तो इस तरीके से कॉपी करने की कोशिश करते हैं नोटोरियस लोग. तो नोट को आप क्या कर सकते हैं नोटोरियस से कोरिलेट करके आप इसको आसानी से याद कर सकते हो कि नोट की कॉपी करते हैं नोटोरियस लोग. तो नोट को नोटोरियस से कोरिलेट करके आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं. नेक्स्ट है जो कि है क्रेडिबली. क्रेडिबली एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है विश्वासपूर्ण. कई बार हम इस वर्ड को कर चुके हैं दोस्तों. भूल मत तो ये मत बोलना कि सर ये वर्ड हमें नहीं पता. ठीक है क्रेडिट कार्ड को क्रेडिबली से कई बार अपन याद कर चुके हैं. क्रेडिट कार्ड दोस्तों उन्हीं को मिलता है जो कि विश्वास पात्र होते हैं जिन पे बैंक भरोसा कर सकता है कि हमारे पैसे वापस देगा. समझ गए वरना तो आजकल तो बैंक जो है वो डेबिट कार्ड देने से भी डरने लग गए हैं. तो क्रेडिट कार्ड उनको मिलता है जो कि क्रेडिबल लोग होते हैं यानी कि विश्वास करने योग्य होते हैं. लास्ट वर्ड है जो कि है वेंटेज पॉइंट. एक ऐसा पॉइंट नजरिया को अपन कहते हैं वेंटेज पॉइंट. व्यू पॉइंट स्टैंड पॉइंट इसको आप कह सकते हैं. इसका मतलब होता है जो आपके किसी भी पोजीशन जो भी नजरिया होता है किसी भी चीज को देखने का उसको अपन वेंटेज पॉइंट कहते हैं. तो सिंपल सी बात है हमेशा पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है. तो अगर विन के लिए अच्छा वेंटेज पॉइंट चाहिए अगर आपको जीतना है कोई भी चीज अगर आपको लाइफ में तो जीतने के लिए आपको एक अच्छा नजरिया होना बहुत जरूरी है. तो विन को आप क्या कर सकते हो वेंटेज से कोरिलेट करके आप इसको आसानी से याद कर सकते हो कि विन के लिए अच्छा वेंटेज पॉइंट चाहिए यानी कि एक अच्छा नजरिया चाहिए. नेक्स्ट है मैच द कलम. देख लेते हैं आज अपन ने इनको कैसे याद किया है. रिकैल्सिट्रेंट कैसे याद किया है. रिकैल्सिट्रेंट को रिकॉल करना पड़ेगा अगर मेहनत नहीं करी तो क्योंकि आप भी रिकैल्सिट्रेंट है यानी कि आप भी ओबे नहीं करते हैं बात को. एमनेस्टी कैसे याद किया था. एमनेस्टी का मतलब माफी देना. आम लोगों को भी एमनेस्टी मिल जाती है यानी कि माफी मिल जाती है. हेजिमनी हज पे हेजिमनी नहीं है यानी कि डोमिनेंस नहीं है. और कोलैबोरेट यानी कि मिलके काम करना. ब्लैटेंट ब्ला ब्ला करने से बढ़िया है ब्लैटेंट बात करो यानी कि स्पष्ट बात करो. अनाउंस करके डिनाउंस किया यानी कि क्रिटिसाइज किया. वॉक करोगे तो बुलवर्क डिजीज से आप बुलवर्क मिलेगा यानी कि प्रोटेक्शन मिलेगा. नोट कॉपी करते हैं नोटोरियस लोग यानी कि जो बहुत ज्यादा कुख्यात होते हैं. क्रेडिट कार्ड क्रेडिबल लोगों को मिलता है यानी कि विश्वास पात्र लोगों को मिलता है. और विन होने के लिए वेंटेज पॉइंट होना जरूरी है अच्छा नजरिया होना जरूरी है. ठीक है दोस्तों तो ये थे आज के आपके 10 इंपॉर्टेंट वर्ड्स और उम्मीद करता हूं आपको पसंद आए होंगे. कंजेक्चर वर्ड था जिसका मतलब होता है प्री सपोज करना है ना. ये आपका क्वेश्चन वर्ड था आज का जो है वो है नहीं. ट्रिक बनाओ की बात करें तो लैसिट्यूड मैंने वर्ड दिया था इसका मतलब होता है फिजिकल और मेंटल टायर्डनेस. जो बहुत ही ज्यादा एनर्जी नहीं हो जिसमें बहुत कम हो उसको अपन लैसिट्यूड कहते हैं. आयुष और अनवर की बहुत अच्छी ट्रिक है. लस्सी पीने से लैसिट्यूड दूर होता है. ठीक है लस्सी पीने से क्या होता है जो फिजिकल और मेंटल टायर्डनेस है वो दूर हो जाती है. तो लस्सी को लैसिट्यूड से कोरिलेट कर दिया बहुत ही अच्छी बात है यार. जो लेजी होता है उसमें लैसिट्यूड होता है. देखिए कितने इजी तरीके से मतलब मुझे लगता है कि कोई भी बच्चा लैसिट्यूड का मतलब जो है वो भूलेगा. अगर इस वर्ड को आपने एक दो बार याद भी कर लिया तो भी आपकी कोई जो है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. दूसरा वर्ड जो आज आपको देना है वो है रिलक्टेंट. रिलक्टेंट वर्ड है जिसकी आपको ट्रिक बना के कमेंट करना है. नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों सेंटेंस फ्रेमिंग में नेहा ने और आकाश ने दो अच्छे पैराग्राफ का फॉर्मेशन किया है. एक विराट कोहली पे एक वैष्णो देवी टेम्पल के ऊपर. ठीक है दोस्तों तो ये दो अच्छे पैराग्राफ का फॉर्मेशन है जो कि किया गया है सारे वोकैबुलरी काम में लेके. तो दोस्तों आप भी ऐसा ही करिए और अपनी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करिए. तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. साथ में वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से आप अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं और भी. और यहाँ पे सारे देश के एजुकेटर आपको पढ़ाते हुए मिलेंगे. आपको एक एक सब्सक्रिप्शन करना होगा किसी भी एग्जाम का और उस एग्जाम में आपको काफी सारे देश के बेस्ट एजुकेटर है जो कि आपको पढ़ाते हुए मिलेंगे. तो एक बार ट्राई जरूर करिएगा काफी आपको मदद मिलेगी. तो आज के लिए इतना ही दोस्तों. थैंक यू गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे. साथ में दोस्तों नेक्स्ट संडे को जो है आपके लिए आने वाला है एक और सरप्राइज. तो सुबह 11 बजे जो है 10-11 बजे जो है वो लाइव जरूर आइएगा. मैं आपको टाइम बाद में बता दूंगा. संडे के दिन आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज है जो कि आने वाला है. ठीक है नेक्स्ट संडे को 3 तारीख को 3 मार्च को. ठीक है दोस्तों तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे.